भीख मांगकर रोडवेज कर्मचारी ने किया प्रदर्शन, भीख का पैसा पहुंचाएंगे राज्य सरकार तक, कलेक्टर के बाहर किया प्रदर्शन। रोडवेज के कर्मचारी के हड़ताल का 14 दिन और आज के अनूठे प्रदर्शन में कर्मचारी ने जनता से भीख मांगी और भीख के पैसे को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे कर्मचारी ने। आज मुख्यमंत्री राज्य और परिवहन मंत्री यूनुस खान की तस्वीर को गले में लटकाकर रैली निकाली और जनता से भीख मांगी। इसके बाद कलेक्ट्री पर बैठकर सरकार के लिए गीत गाए। हमारे राजस्थान रोडवेज के कर्मियों की आज हड़ताल का 14वां दिन है। ये भूखी नंगी सरकार के लिए आज हम भीख मांग करके उसके लिए पहुंचाएंगे कि उसकी थोड़ी कमी पूरी हो जाए और हमारी राजस्थान रोडवेज की जो 14 दिन पुरानी हड़ताल है उसको समझौते को लागू कर दे। तो हम सरकार को पूरे बाजार में आम नागरिकों से ये भीख मांग के और ये यूनुस खान की जो भूख है उसको मिटाने के लिए, ये राजस्थान सरकार की जो भूख है उसको मिटाने के लिए उन्हीं के लिए हम पैसे मांग रहे हैं और ये राज्य सरकार के भेजेंगे। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है, 14 दिन हड़ताल को हो चुके हैं, सरकार ने किसी भी तरह की वार्ता या समझौता लागू करने के लिए नहीं बुलाया है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, सरकार की कानों पे अभी तक कोई जू नहीं रहेंगी है। सरकार की गलतियों से ये जनता जितनी परेशान हो रही है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सताने किस तरह का सरकार को हुआ, जो यूनुस खान है, जो प्राइवेट बसों का दलाल है, जाने कितना इसने कॉन्टैक्ट कर रखा है कि हमारी वार्ता न हमारे समझौते को लागू कर रहा है। प्रदेश सचिव धैर्यलाल चौधरी और रूठ गया है राजिया जी, रूठ गया है राजिया जी, जनता से अर्जी लगाई है और मांगे भीख बिचारे कर्मचारी, ये कैसी आज दुहाई है। मांगे भीख कर्मचारी कैसी राजी आई है, रूठ गया है राजिया जी, रूठ गई सरकारिया जी, कैसी बनी दुखदाई है। मांगे भीख कर्मचारी कैसी शर्म गमाई है, मांगे भीख कर्मचारी कैसी शर्म गमाई है। आप तो घूमे हवाई जहाज में, लूटी लूटी धन खाई लिया, जनता की रोडू बेज को ये बंद करा के सबक दिया, रोडू बेज की जनता को ये बंद करा के सबक दिया। ऐसी हट धर्मी नहीं देखी, ऐसी हट धर्मी नहीं देखी, सारी लाज गवाई है। रूठ गई सरकारी आज जनता से अर्ज लगाई है।